जपला नहर मोड़ से पिपरा होते हुए दुबटिया यानी चंठानवे तक सड़क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद कुछ लोग वाहवाही लेने का प्रयास करने में जुटे हैं। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने अपने इस कार्यकाल में अब तक सभी प्रमुख सड़कों की स्थिति सुधारने में जुटे हैं। इस वर्ष कई सड़कों को प्रशासनिक स्वीकृति दिलाने का काम किया है, कुछ का टेंडर भी हो चुका है। हरिगंज क्षेत्र के होलियार से पुनपुन उदम स्थल होते हुए बनाडी तक, पीडब्ल्यूडी रोड से कालीपुर तक, कुलपोहिया पंचायत के लादीबादी शिकारपुर तक, तेंदुआ से हल्का तक सड़क निर्माण, तुरी पंचायत के बटाने नदी पर अर्धनिर्मित पुल कार्य के अलावा दर्जनों सड़क पुल पुलिया के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा अनेक गांव में विधायक कोटा की राशि से छोटी छोटी योजनाओं का काम चल रहा है। जो आज सड़क को लेकर राजनीति कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना किलोमीटर सड़क निर्माण कराया है। यह बातें एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र कुमार सिंह और गुड्डू सिंह ने हरिहरगंज में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कमलेश कुमार सिंह के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो अन्य के कार्यकाल में एक भी सड़क का काम नहीं हुआ। आज एक एक ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। जपला नहर मोड़ से पिपरा होते हुए दुबटिया ने 98 तक सड़क को लेकर 20 फरवरी 2021 को विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया। उन्होंने इस सड़क के लिए अनेकों बार सरकार व विभाग को पत्राचार किया। अंततः मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग ने गत 9 अक्टूबर 2023 को इस सड़क को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी। जल्द इस पथ के निर्माण के लिए निविदा भी निकाल दी जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इसी माह हुसैनाबाद के साथ सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 18 करोड़ की निविदा निकाल दी गई है। अगले चरण में हरिहरगंज, पिपरा, हैदरनगर व मोहम्मदगंज क्षेत्र की सड़कों की एक एक कर निविदा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का गुमराह करने की कोशिश करने वाले नेताओं को हुसैनाबाद हरिहरगंज की जनता पहचान चुकी है। कमलेश कुमार सिंह के कार्यकाल के अलावा किसने कितना काम किया है, हिम्मत है तो जनता के सामने प्रस्तुत करें। देश के इतिहास में हुसैनाबाद हरिहरगंज पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां विधायक कोटा की राशि ग्राम सभा के माध्यम से खर्च की जाती है। योजनाओं की सूची सार्वजनिक की जा रही है। उन्होंने दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने कारनामों पर एक नजर डाल लेना चाहिए। हुसैनाबाद हरिहरगंज क्षेत्र की जनता जात पात धर्म की राजनीति को नकार कर विकास की राजनीति को पसंद करती है। गलत राजनीति करने वाले लोगों को जनता सबक सिखा देगी। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश महासचिव अखिलेश मेहता, पिपरा प्रखंड अध्यक्ष जनेश्वर भुइया, संदीप पासवान, हरिहरगंज प्रखंड अध्यक्ष मनीष सिंह, जिला सचिव अजय सिंह, हुसैनाबाद युवा अध्यक्ष अभिषेक सिंह उर्फ हरी, उदय सिंह, मंटू मेहता, जनेश्वर भुइया, हरबंश पासवान, चंचल सिंह, राम प्रसाद भुइया, रामू यादव, विशाल कुमार, मिथिलेश भुइया और अन्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री माननीय विधायक कमलेश कुमार सिंह हमेशा विकास की राजनीति, झूठ सच की राजनीति उन्होंने कभी नहीं किया और उनकी पहचान हुसैनाबाद हरिहर विधानसभा क्षेत्र में विकास से है और जनता का जो समर्थन है और जनता का जो सहयोग मिलता है उनको विकास के नाम पर मिलता है। हम लोग दिखावा और ड्रामा पर विश्वास नहीं करते। आपने देखा है कि हुसैनाबाद हरिहर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे नेता हैं जब देखते हैं जाने जाते हैं।